नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में करीब 1700 बूथों पर बदला मतदान का समय। जेईई मेंस में बिहार को मिला 100%। भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को किया अलर्ट। स्टेशन का अनारक्षित टिकट अब इस ऐप से घर बैठे कर सकेंगे बुक। पवन सिंह के खिलाफ 5 जगह हुई FIR दर्ज। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 4 रनों से हराया। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में करीब 1700 बूथों पर बदला मतदान का समय। गर्मी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए बिहार में करीब 1700 बूथों पर मतदान के समय में बदलाव हुआ है। दूसरे चरण के मतदान केंद्रों के लिए समय में परिवर्तन हुआ है। इसके साथ ही तीसरे चरण की 2 लोकसभा सीट और चौथे चरण की 1 लोकसभा सीट के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में समय में बदलाव किया गया है। संबंधित लोकसभा क्षेत्रों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की ओर से राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद चुनाव आयोग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के अलग अलग मतदान केंद्रों पर सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी। जेई मेंस में बिहार को मिला 100%। NTA ने जेई मेंस के रिजल्ट को जारी कर दिया है। मेंस परीक्षा सत्र 2 का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। जेई मेंस के अप्रैल सत्र की परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा में बिहार के प्रथम ने 33वां स्थान हासिल किया है। इन्हें 100 स्कोर मिला है। इस बार छात्र और छात्राओं ने पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 56 छात्राओं ने 100% हासिल किया है। आपको बता दें कि पिछली बार 43 स्टूडेंट्स ने 100% हासिल किया था। वहीं इस बार ऐसे छात्रों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। मालूम हो कि 10,68,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। पटना के स्कूलों में समय में फिर हुआ बदलाव। बिहार की राजधानी पटना के स्कूलों में फिर से बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि समय में बदलाव हुआ है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में अब 10:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा सकेगा। भीषण गर्मी को देखते हुए DM शीर्षत कपिल अशोक ने सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी सरकारी निजी आंगनबाड़ी केंद्रों में 10वीं कक्षा तक के संचालन के लिए 10:30 से लेकर 4 बजे तक प्रतिबंध का आदेश है। 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये नया नियम लागू रहेगा। भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को किया अलर्ट। बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में डेडिकेटेड वार्ड बनाने को लेकर आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों के सभी सिविल सर्जनों के साथ ही अस्पतालों में तैनात पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसके साथ ही विभाग ने कुछ जरूरी दवाइयों को हर वक्त अस्पताल में रखने का सुझाव दिया है। सभी हॉस्पिटलों में जीवन रक्षक दवाई और ORS घोल सुरक्षित रखने का हिदायत दिया गया है। 7 दिन 24 घंटे डॉक्टर और नर्स की उपस्थिति भी सुनिश्चित रखने का निर्देश है। आपको बता दें कि अस्पतालों के अधीक्षक और निदेशकों को एडवाइजरी जारी की गई है। बीमा कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मी को साइबर शातिर ने लगाया 20 लाख का चूना। साइबर शातिर ने पटना के पटेल नगर निवासी सरकारी बीमा कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मी से 20 लाख रुपए की ठगी की है। रुपए को निवेश कराने के नाम पर उसके साथ ठगी हुई है। लालच में आकर उन्होंने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी गवा दी। आपको बता दें कि इसके अलावा किसान निधि भेजने के नाम पर 23 लाख रुपए का चूना लगाया गया है। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की छानबीन कर रही है। अन्य मामले में पटना सिटी निवासी एक व्यक्ति से 18,000 रुपए की ठगी हुई है। फुलवारी शरीफ निवासी को साइबर शातिर ने बिजली कनेक्शन अपडेट कराने के नाम पर चूना लगाया है। फुटपाथ पर चिन्हित क्षेत्रों में दुकान लगाने का आदेश। पटना के सड़कों और फुटपाथ पर अब वेंडर्स बिना अनुमति के सामान नहीं बेच सकेंगे। सभी वेंडर्स को जन सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि की ओर से यातायात को और आसान बनाने के लिए यह आदेश जारी हुआ है। नगर आयुक्त को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार चिन्हित स्थानों पर ही वेंडर्स को दुकान लगाने की अनुमति है।
आपको बता दें कि निर्धारित समय में ही ये दुकान लगा सकेंगे। शेखपुरा मोड़, राजा बाजार, जगदेव पथ, रूपसपुर पुल के सड़क किनारे सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक सब्जी और फलों की दुकानें नहीं लगेगी। कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी भी वोटिंग के लिए मतदाताओं को करेंगे जागरूक। पटना जिले के कृषि, मत्स्य, पशुपालन और उद्योग विभाग के कर्मी और पदाधिकारी भी लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करेंगे। ये कर्मी घर घर जाकर लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगे। डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने उपरोक्त विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद जिलाधिकारी ने कहा है कि इस विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों की संख्या काफी अधिक है, इस कारण इनके माध्यम से काफी संख्या में मतदाताओं को जागरूक किया जा सकता है। मतदान के लिए ये लोगों को प्रेरित करेंगे और इस तरह से मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सकेगा। स्टेशन का अनारक्षित टिकट अब इस ऐप से घर बैठे कर सकेंगे बुक। बिहार में रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से बड़ी पहल की गई है। पूर्व मध्य रेलवे ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसके जरिए किसी भी यात्री के द्वारा घर बैठे अनारक्षित टिकट बुक किया जा सकेगा। UTS ऑन योर मोबाइल ऐप की सहायता से यात्रा टिकट या फिर प्लेटफॉर्म टिकट को बुक किया जा सकता है। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन के बाहर से ही इस ऐप से टिकट बुक करना होगा, रेलवे स्टेशन के अंदर इस ऐप से टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। पटना के एक होटल में लगी भीषण आग। राजधानी पटना में स्थित फ्रेजर रोड में एक होटल में भीषण आग लग गई है। बताया जाता है कि आग में झुलसकर 2 लोगों की जान चली गई, वहीं कुछ लोग घायल है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल पर कई एम्बुलेंस मौजूद है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस तरह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। रेस्क्यू टीम के द्वारा फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, साथ ही इन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। एहतियात के तौर पर आसपास की बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। राजद प्रत्याशी बीमा भारती का PA लाखों रुपए कैश के साथ गिरफ्तार। बिहार में कल 5 सीटों पर दूसरे चरण में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में वोटिंग से एक दिन पहले पूर्णिया की लोकसभा सीट से राजद के प्रत्याशी बीमा भारती का PA 10 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूर्णिया जिले में स्थित रुबौली इलाके में पुलिस ने बीमा भारती के 2 PO को गिरफ्तार किया है। इसके बाद दोनों से रुबौली थाने में पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा रुपए के सोर्स के बारे में पता किया जा रहा है। बताया जाता है कि पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा है। आशंका जताई जा रही है कि इन रुपयों का चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता था। असदुद्दीन ओवैसी के जुम्मे के बयान पर गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। किशनगंज में बीते दिन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। AIMIM के प्रमुख ने कहा कि जुम्मे की नमाज को परकड़ व शैतानी ताकतों को हराएंगे। लोगों से उन्होंने नमाज परकड़ वोट देने की अपील की है। ऐसे में गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर हमला बोला है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शुक्रवार संतोषी माँ का दिन होता है। संतोषी माँ का मुख देखकर जाने से सारे शैतानों का नाश हो जाएगा। बीते दिन गिरिराज सिंह ने कहा है कि वो सारी शैतानी ताकतों को डिब्बे में बंद करने का मंत्र जानते हैं। दूसरे चरण के मतदान और PM के बिहार आगमन से पहले तेजस्वी यादव ने किए सवाल। बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। दूसरे चरण में 5 सीटों पर पैच बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। दूसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों में पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका और कटिहार की सीटें शामिल है। वहीं कल PM नरेंद्र मोदी मुंगेर और अररिया में रैली करने वाले हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे PM नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि PM जब भी बिहार आते हैं तो मुद्दे की बात नहीं करते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में बिहार के लिए क्या किया है? उन्होंने 10 साल में बिहार को क्या दिया? आप बिहार आकर काम की बात क्यों नहीं करते? पवन सिंह के खिलाफ 5 जगह दर्ज हुई FIR। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में 5 जगह पर FIR दर्ज की गई है। पवन सिंह के खिलाफ रोहतास जिले में FIR दर्ज हुई है और इसके साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का इन पर आरोप लगा है। मालूम हो कि काराकाट की लोकसभा सीट से पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। उनके रोड शो में 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां शामिल थी, साथ ही उनके बीच की दूरी भी कम थी। बताया जाता है कि उन्हें 5 गाड़ियों के लिए ही परमिशन मिली थी। ऐसे में पावर स्टार के खिलाफ अकोढ़ी, गोला, विक्रमगंज, काराकाट, संझौली और राजपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मनीष कश्यप भाजपा में हुए शामिल।
मनीष कश्यप भाजपा नेता मनोज तिवारी के साथ दिल्ली पहुंचे और उसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। मालूम हो कि मनीष कश्यप ने पश्चिम चंपारण की सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी संजय जायसवाल को वो चुनौती दे रहे थे और उसके बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मनोज तिवारी ने कहा है कि मनीष कश्यप मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वही मनीष कश्यप ने कहा है कि उनकी माँ नरेंद्र मोदी के वीडियो को देखती है, माँ का ये आदेश था कि तुम प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करो। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 4 रनों से हराया। आईपीएल 2024 के 40वें मैच में गुजरात टाइटंस को दिल्ली कैपिटल्स ने 4 रनों से हरा दिया है। स्टब्स ने जीते की पारी के 19वें ओवर में बचाव किया। ट्रिस्टन स्टब्स ने पहले बल्ले से ही कमाल कर दिया था और 7 गेंदों में 26 रन बनाए। आपको बता दें कि ट्रिस्टन स्टब्स ने फील्डिंग से पहले बल्लेबाजी में भी काफी बढ़िया प्रदर्शन किया और अपनी पारी के दौरान 3 चौके और 2 छक्के जड़े। दिल्ली ने 20 ओवर में 4 विकेट को गंवाकर 224 रन हासिल किए। वहीं इसके जवाब में गुजरात टाइटन्स की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 220 रन बनाए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोग में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सदुल्ला पालवी, मोहम्मद शकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, वरुण कुमार, वीरेंद्र गुप्ता, रंजीत मिश्रा, राम बाबू दास, रवि कुमार, राम गोविंद प्रसाद गुप्ता, नंद कुमार सिंह, राजकिशोर महतो। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके अनुसार भीषण गर्मी के दौरान स्कूल में कक्षा का संचालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।